हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या खास है, क्या सीखेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपको इस पे फिल्टर लगाना है तो फिल्टर लगाने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताया था अल्ट डी एफ एफ, तो ये फिल्टर अप्लाई हो जाता है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग क्लासेस की डिटेल यहाँ पर दी गई है। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर क्लास चाहिए तो यहाँ पर फिल्टर पर जाके और यहाँ से पर्टिकुलर क्लास आप सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक हमें केवल क्लास नाइन्थ चाहिए तो हम यहाँ क्लास नाइन्थ सेलेक्ट करेंगे, तो हमें यहाँ केवल और केवल क्लास नाइन्थ वाले बच्चों की डिटेल दिखाई पड़ेगी। तो हम अभी क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये फिल्टर दोबारा से वैसे ही हो जाए जैसे कि ये था। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप एक एक स्टेप बैक जाइए, कंट्रोल जेड प्रेस कीजिए, एक स्टेप बैक आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। नहीं तो अगर ये नहीं चाहते तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज होकर गलती क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं कि डायरेक्टली वापस से फिल्टर पे क्लिक कर देते हैं, यानी कि डेटा टैब पे जाते हैं और इस तरीके से ये दोबारा फिल्टर पे क्लिक कर देते हो तो ये फिल्टर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आपको रिमूव तो करना नहीं है, आपको पुरानी सिचुएशन वापस लेके आनी है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना होगा, अभी आपको प्रेस करना है एक शॉर्टकट की जिसका नाम है अल्ट एच एस सी। तो जैसे ही ये प्रेस करेंगे तो ये पुरानी कंडीशन वापस आ जाएगी, आपका फिल्टर ज्यों का त्यों बना रहेगा, देख सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए अगर आपको टेंथ की डिटेल चाहिए तो टेंथ खाली सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, और फिर आपको वापस से उसी सिचुएशन में लेके आना है तो आप अल्ट एच एस सी प्रेस कर दीजिए, वापस उसी सिचुएशन में आ जाएगा। तो ये वो तरीका है जिससे आप का काम आसान हो जाएगा। ये आपकी बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।